शरिया लॉ के हिसाब से एक मुस्लिम आदमी चार लीगल वाइव्स रख सकता है। ट्रिपल तलाक जैसी बहुत बुरी चीज इंडिया में ऑलरेडी बैन हो चुकी है, बट स्टिल मुस्लिम पॉलीगैमी सिर्फ इंडिया ही नहीं बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी है। बट होपफुली अब ये चीज एससी में जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है और हो सकता है इस चीज को हटा दिया जाए। तो हेलो हेलो, मैं हूँ नॉट डिफाइंड और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम पॉलीगैमी और भी उसके अलावा बहुत सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले समझते हैं शरिया लॉ क्या है। ये सिंपल एक इस्लामिक रिलीजन के अंदर लॉ है जो इस्लामिक रिलीजन को मारने वाले लोगों के लिए डिसाइड करता है कि उन्हें क्या चीज करनी चाहिए। इसका गवर्नमेंटल लॉ से कोई लेना देना नहीं है और इसके रूल्स और रेगुलेशंस कुरान और अलग अलग टेक्स्ट से निकल के आते हैं। अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन चार चीजों को चैलेंज किया गया है। अब इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निकाह हलाला के बारे में। अगर एक मुस्लिम आदमी एक औरत को ट्रिपल तलाक दे देता है तो शरिया लॉ के हिसाब से वो औरत अनलॉफुल हो जाती है। अनलॉफुल को मैं कैसे डिफाइन करूं, मैं बोलना नहीं चाहता पर तुम समझदार हो। अब अगर उस औरत को लॉफुल बनना है, खराब से अच्छा बनना है, तो उसको किसी एक गैर मर्द के साथ एक पूरी रात बितानी पड़ेगी। और ज्यादातर केस में इन लड़कियों को लोकल मौलानाओं से शादी करा दी जाती है जो वो शादी को करने के लिए भी पैसे चार्ज करते हैं। और अब एक रात बिताने के बाद वो लड़की लॉफुल हो चुकी है तो वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ दोबारा शादी कर सकती है, इस शर्त के साथ कि वो लड़की अभी प्रेग्नेंट ना हो। और ये चीज बहुत ज्यादा खराब है, मेरे ओपिनियन में इस चीज को जल्दी से जल्दी बैन कर देना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा पॉलीगैमी, वही चीज कि एक आदमी लीगली चार औरतों के साथ शादी कर सकता है शरिया लॉ के हिसाब से। अब तुम सोचोगे यार ऐसी फालतू की चीज क्यों अलाउ करते हैं ये लोग। कहा यह जाता है कि इससे कंपेनियनशिप बढ़ती है, पीस ऑफ माइंड बढ़ता है, आपस में लोगों के लव कंपैशन, ये सारी चीजों को आर्ग्यू करके बोला जाता है कि इसीलिए पॉलीगैमी बहुत अच्छी चीज है। वैसे तो पुराने जमाने में हिंदू राजा भी बहुत सारी शादियां करते थे, बट उसका लॉजिक बहुत क्लियर होता था कि उनको अपना एम्पायर बड़ा करना होता था, दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाना होता था, इसीलिए वो शादी किया करते थे। और कई रीजंस ये भी होते हैं कि कई बार वॉर में बहुत सारे आदमी मर जाया करते थे, औरतों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी और लड़कों की संख्या बहुत कम हो जाती थी, इसी वजह से पॉलीगैमी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता था। बट आज के जमाने में इन लॉजिक्स का कोई मायने नहीं है, इसीलिए मेरे हिसाब से प्रॉपर तरीके से बैन हो जाना चाहिए। तो यहां से दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर एक आदमी चार बीवियां रख सकता है तो एक वुमेन मल्टीपल हस्बैंड्स क्यों नहीं रख सकती। इसके लॉजिक भी बहुत ज्यादा फालतू ही है, अगर सुनोगे तो हंसी ही आएगी कि मर्द अलग है औरत अलग है और जिस तरीके से भगवान ने मर्दों को बनाया है उस वजह से लड़ाइयां होनी ही होनी अगर एक औरत मल्टीपल हस्बैंड्स के साथ शादी कर लेती है तो। अब मैं यहां ये आर्ग्यू नहीं कर रहा कि एक औरत को मल्टीपल हस्बैंड्स रखने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही चीजें बहुत बुरी तरीके से गलत है। अब यहां से समझते हैं मुताह या मेसियार का मतलब। अगर देखा जाए तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। हाँ, सुन्नी मुस्लिम इस बात से अग्री नहीं करेंगे बट दोनों लगभग लगभग बिल्कुल सेम चीज है। होता यह है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज होती है, कुछ पैसों के लिए एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, मतलब एक ऐसी शादी जो कुछ ही दिनों तक टिकेगी, कुछ ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उस शादी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। अब दिमाग में आता है कि यार अगर दोनों की मर्जी है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है तो इस चीज में उतनी कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आती, बट इसके रीजन और कारण सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा। कुछ रीजन ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा सिंगल वुमेन बढ़ गई है क्योंकि उनकी शादियां ही नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा हाई डाउरी होता है, बहुत ज्यादा दहेज होता है और बहुत ज्यादा डाइवोर्स रेट के वजह से भी ऐसी चीजें होती हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं कि कुछ औरतें अपना घर नहीं छोड़ सकती क्योंकि हो सकता है उनके घर में कोई हैंडीकैप वगैरह हो। ओवरऑल ये सारे कारण बस दिखने में बाहर से ओके ओके लगते हैं बट एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है वुमेन के लिए। इस सब की वजह से उनका बहुत ज्यादा शोषण होता है, इसीलिए इस चीज को अपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से ये सारी की सारी चीजें बैन होनी चाहिए। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो अपने कॉमेंट्स में राय जरूर बता देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।